केंद्रीय सूचना प्रसारण खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज भोपाल पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए सूचना प्रसारण खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रतिनिधि एवं छात्र भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर आधारित सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास किताब के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें जून 2020 से मई 2021 एवं जून 2021 से मई 2022 के भाषणों का संकलन है। आइए इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हम हमारे संवाददाता श्री अजीत द्विवेदी से बात करते हैं। अजीत, आइए बताएं कि आज इस प्रदेश के लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है प्रधानमंत्री के भाषणों के संकलन के विमोचन समारोह का, और दूसरा जो बड़ी खबर है वो है राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार का। इस बारे में हमारे दर्शकों को और अधिक जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो यहाँ भोपाल में जो है दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण करेंगे, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2020 से लेकर 2022 तक के जो भाषण हैं, जो प्रमुख भाषण हैं, उनका वो संकलन है। और ये दो खंडों में ये किताबें जो हैं, यानी कि दो भाग में ये किताबें प्रकाशित यहाँ पर हो रही हैं, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण भाषण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकलित भाषण हैं, उनका यहाँ पर संकलन जो है वो उसमें है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जिसका जो नाम जो है वो दिया गया है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस थीम को लेकर जिस तरीके से लगातार सरकार काम कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने तमाम भाषणों में इस बात का जिक्र करते आए हैं, और इस किताब का भी जो नाम है वो यही दिया गया है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और इन किताबों का आज यहाँ पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ पर लोकार्पण करेंगे, यहाँ पर समर्पित करेंगे।